हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टाटा नेक्सॉन की डार्क एडिशन। ये इसका इंटीरियर है और ये बैक रो है। बैक रो में हमें यहाँ पे आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको दो कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। और गाड़ी में ZX वेरिएंट है, ZX प्लस आ जाता है। और टॉपमोस्ट वेरिएंट में हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। और स्पीडोमीटर आपने अभी देखा, काफ़ी अच्छा और यूनिक और फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और सेफ्टी के पर्पज़ से हमें एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। प्राइस रेंज की बात करेंगे हम आगे, और एक एक करके सारी की सारी डिटेल आपको बताऊँगा। तो जो लोग वीडियो पर नए आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं, वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। ये स्मार्ट की है। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट की में हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। स्मार्ट की में हमें आप यहीं से बैठे बैठे लाइटें ऑन कर सकते हो, DRLs ऑन कर सकते हो और इंडिकेटर ऑन कर सकते हो। मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। और ये साइड प्रोफाइल लुक है। जो डार्क एडिशन है इसमें हमें टायर, एलॉय, रिम और मतलब सब कुछ डार्क देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक कि जो नेक्सॉन की ब्रांडिंग की गई है टाटा के लोगों को छोड़ के, जो जिस पे नेक्सॉन लिखा हुआ है वो भी हमें डार्क से लिखा हुआ है, वो मैं आपको आके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और हम बात करते हैं यहाँ पे इसके जो DRLs हैं, दिख सकते हो। बाकी DRLs और इसमें काफ़ी फ़र्क है बाकी। और ये हैशटैग डार्क का लोगो भी यहाँ पे हमें एकदम कंपनी ने सिल्वर कलर का लगा दिया है, जिस पे हमें डार्क से ही लिखा गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूनिक भी है। और बात करते हैं हम ये टाटा नेक्सॉन आपको क्यों लेनी चाहिए। तो टाटा नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और सर्विस कॉस्ट सही है, और 5 लोग आसानी से बैठ जाते हैं। और हमें इतने कम प्राइस रेंज में सनरूफ भी ऑफर कर देती है गाड़ी। और भाई मतलब सेडान से काफ़ी अच्छी रहती है, कहीं जैसे आप नॉर्मल गांव वगैरह में या फिर कहीं पे भी लेके जाते हो जहाँ पर खड्डे वगैरह होते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़र्क वगैरह नहीं पड़ेगा। और पीछे हमें रेन सेंसिंग बाइफर देखने को मिल जाता है, और आगे वाला भी, जैसे ही बारिश होगी तो अपने आप चालू हो जाते हैं। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ टॉपमोस्ट वेरिएंट के आसपास ही देखने को मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट होते हैं उनमें ऐसे पीछे बाइफर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, लाइटों को छोड़ के, जो टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन की लाइटें हैं इनको छोड़ के बाकी सब कुछ एकदम फुल्ली डार्क देखने को मिल जाता है, देख सकते हो। माइलेज काफ़ी अच्छा है। माइलेज की बात करें तो लगभग 17 से 18 तक का माइलेज दे देती है अगर आप ऑन एन एवरेज स्पीड पर गाड़ी को चलाते हो। तो आपको गाड़ी डीजल में अच्छी लगती है या फिर पेट्रोल में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तो बात करें, टाटा नेक्सॉन ने ईवी भी लॉन्च कर दी है, वो मतलब चार्जिंग होके फिर चलती है। तो चार्जिंग वाली भी गाड़ियां सही रहती हैं और इसमें हमें एलॉय मिल जाते हैं। और काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग हुई है। हाँ, सेफ्टी रेटिंग का मैं आपको बताना चाहूँगा, चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग नेक्सॉन की 5 स्टार है, जो कि काफ़ी धमाकेदार है। और बाकी सेफ्टी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और ये सामने से लुक नेक्सॉन ब्लैक कलर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, एकदम प्यारी लग रही है। आप लोग इसमें देख सकते हो, नीचे में फॉग लैम्प मिल जाते हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। और जो लाइटें हैं, DRLs हैं, LED, फॉग लैम्प और हेलोजन लैम्प, सब कुछ यहाँ पे। बीच में नया टाटा का लोगो, नया तो नहीं मतलब लोगो ऐसा ही है। और ये मैं आपको लाइटें ऑन करके दिखा रहा हूँ एक बार, आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और लाइटें अपने आप ऑन हो जाएंगी। हम गाड़ी के अंदर की तरफ चलेंगे, मैं आपको अंदर से सारी की सारी गाड़ी दिखाऊंगा एक बार। यहाँ पे हमें एक बार बटन प्रेस करना है, लॉक और अनलॉक हो जाती है। भाई जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो तो अच्छी है ये, और जो अंदर का इंटीरियर है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें तो इंटीरियर में टाटा ने कोई भी मतलब कमी नहीं छोड़ी है। बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीरियर दे दिया गया है। और इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं हमें। आपको कौन सा पसंद है, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये देख सकते हो यहाँ पे हमें ग्लव बॉक्स है, जो ग्लव बॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छा और यूनिक दे दिया गया, देख सकते हो आप लोग। और इसमें हमें कई सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और सिटी मोड, नॉर्मल मोड। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई जो मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, उसमें हम गाड़ी डाल के चलाते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता है। हाँ भाई, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, मैंने चला के देखी है और इसका रिव्यू मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँगा। मतलब स्पोर्ट्स मोड में चलाने पर कितना फ़र्क पड़ जाता है और नॉर्मल मोड चलाने पर कितना फ़र्क पड़ जाता है। बाकी का ग्लव बॉक्स देख सकते हो, नेक्सॉन का ग्लव बॉक्स और अल्ट्रोस का ग्लव बॉक्स, दोनों टाटा की हैं। टाटा का ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आपको कप होल्डर रखने की जगह मिल जाती है। अगर आपको दो ग्लास वगैरह रखनी है तो आप आसानी से रख सकते हो। और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर 3 है। वॉल पर सिलेंडर हमें 4 देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइटिंग के जस्ट ऊपर आप चश्मा वगैरह रखने की जगह मिल जाती है, जिसको आप सनग्लासेस होल्डर कह सकते हो। डायरेक्ट ही अपने चश्मे रख सकते हो और निकाल सकते हो। और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी स्पीड,
स्पेस बहुत अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है, देख सकते हो। और यहाँ पे हमें एक और आर्मरेस्ट, और ये मैं आपको बार बार खोल के दिखा रहा हूँ, बंद करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा पर्सनली हमें नीचे एक कमेंट करके जरूर बताएं। और प्राइस रेंज की बात करते हैं टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन की, तो भाई ये लगभग 9.5 लाख से शुरुआत हो गई, आप 9 लाख मान लो, 9 लाख से शुरुआत होगी लगभग 12 लाख तक एक्स शोरूम प्राइस चली जाती है। और ये अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग प्राइस रेंज है, क्योंकि सनरूफ चाहिए नहीं चाहिए आपको, और भी कई सारे चेंजेस हैं, एलॉय चाहिए नहीं चाहिए या फिर विदाउट एलॉय चाहिए, तो ऐसे करके सारे के सारे चेंजेस देख के और प्राइस रेंज बढ़ती चली जाती है। आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन चाहिए या नहीं चाहिए, तो ऐसे छोटे मोटे फीचर बनते चले जाते हैं और आपकी गाड़ी की प्राइस रेंज चेंज होती चली जाती है। और इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, नॉर्मल जो सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोग गाड़ी में आसानी से बैठ जाते हैं। और ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मैनुअल, बूट स्पेस बहुत बड़ा है, अभी मैं आपको बूट स्पेस खोल के दिखाऊंगा ना तो आप लोग चौंक जाओगे, 350 लीटर का बूट स्पेस है। और फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक इसमें लगभग 44 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बाकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ आती हैं उनमें काफ़ी कम रहता है, लेकिन इसमें सही है, 209 तो अच्छा हो जाता है। और आपको जैसे कहीं भी फंसने फंसने की दिक्कत नहीं आई। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है पीछे, 3 लोगों की जगह मिल जाती है, ऑल पावर विंडो मिल जाती है, देख सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जैसे ही मैं वीडियो डालूं वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसी टाइम इसको देख लें। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और पीछे पीछे हमें इसमें चार्जिंग केबल मिल जाती है, मतलब USB लगा सकते हो आप, और AC वेंट भी मिल जाते हैं जिससे पीछे वाले बंदे भी मतलब कूलिंग का एहसास ले सके, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। और बात करें पावर विंडो, तो ऑल पावर विंडो मिल जाती हैं और जगह बहुत है, मतलब 3 लोग आसानी से नॉर्मल आसानी से बैठ सकते हैं। अगर आपको 2 लोग बैठाने हैं तो आप इसका आर्मरेस्ट खोल सकते हो और 2 कप या फिर कुछ भी रख सकते हो, ग्लास वगैरह, तो वो मतलब एक अच्छी फील दे देता है। आर्मरेस्ट होना चाहिए गाड़ी में, विदाउट आर्मरेस्ट गाड़ी मुझे तो अच्छी नहीं लगती, आपको कैसी लगती है वैसे। और बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अब हम ये पीछे की तरफ चलते हैं, बूट स्पेस की तरफ। ये देख सकते हो बूट स्पेस 400 तो किसी और गाड़ी में था, मैं भूल गया हूँ, लेकिन इसमें 350 लीटर का बूट स्पेस बहुत बड़ा मिल जाता है, जिसमें आप आसानी से सामान लेके जा सकते हो। और एक और अच्छा फीचर है, अगर आपको बूट स्पेस बढ़ाना ना तो आप इसकी सीटें फोल्ड कर सकते हो। हाँ ये भी भाई आपने सही सुना, आप इसकी सीटें फोल्ड कर सकते हो और आसानी से बूट स्पेस बढ़ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे साउंड सिस्टम मिल जाता है इनबिल्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना जैसे ये यहाँ पे ये ना इसको आप इसको इसको कर दोगे ऊपर यूं करके, और यूं सीट फोल्ड हो जाएगी, इसको अप करना है, लिफ्ट अपलिफ्ट करना है और नीचे सीट को पटक देना है, बस इतना सही है और बाकी सब कुछ सही है। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मुझे टाटा की नेक्सॉन डार्क एडिशन बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वाली गाड़ी चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके प्रेफर कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।